दिन बताओ कि कितने की खुशी, कितनों के आनंद आ रहे हो? एकदम घर की तरह रहते थे, एकदम स्कूल का मॉल भी एकदम घर की तरह रहता था। कितना परसेंटाइल आया? 99.97। अकेला मैट्रिक से 220 बच्चा 99% से ऊपर है। आने तो विश्वास है की महाराज का टीचर कहती सी वो पढ़ लियो जैसी आराम कि भाई शिक्षक साधारण को नहीं हो सके, क्योंकि सृजन और प्रलय दोनों भी का हाथ में रहे। गुड़ता गुड़ता महादेव जी जाए तो जी हाँ, गुड़ता गुड़ता महादेव जी रह जा रहा है। एक कहावत है कि भाई करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे देख रहा हूँ जल को सीकर, और आज चेहरे पर देखिए मुस्कान है भी के पीछे को कारण यही है क्योंकि जेईई मेंस को रिजल्ट आया है। मैट्रिक्स पापा खड़े हैं तो मैट्रिक्स का जगह बच्चा है 99% से ऊपर 219 बच्चा ही, तो अंदाजा लगा सका कि कितनों की शानदार रिजल्ट रही है। और आज इस हिसाब से बच्चा को हौसला अफजाई करी जा रही है, मतलब बातचीत कराऊंगा साथ में, जो वो बातचीत भी कराऊंगा अपना मैट्रिक्स का जगह टीचर शिवंस है कि क्या खास बात है, इतना शानदार रिजल्ट जो है वो रहा है। वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही इंफॉर्मेशनल हो रहा है, लास्ट तक देखना और शेयर जरूर से कर देना। राम राम। राम राम। के नाम बता रहा हूँ दीपक। तुमने कहो कि फर्स्ट नंबर पर थे आया हो, 99% से भी ऊपर मार्क्स नहीं, पर तुमने कहो कि इतना नंबर लाओ कड़े से हो? टीचर से बताते बस बस पढ़ के ना। के पैटर्न है, मैंने बताओ कि बाकी बच्चे पढ़े हैं, बाकी भी इंस्टीट्यूट हो लेकिन पढ़ को रिजल्ट इतना शानदार गुने आप कैसे आस पास भी गुने हैं, के फर्क है मैट्रिक्स में हुआ करना? टीचर्स का है, स्टडी मटेरियल का है, टीचर स्टूडेंट में रिलेशन था बस, कि टीचर जैसे बताते थे वैसे हम फॉलो करते थे। पकड़ेगा बेटा? कितनी की खुशी, कितनों के आनंद आ रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज बताना पूछना चाहूंगा, इतनी बड़ी सफलता ने मिली है, एक नंबर पे आया हो, कि लगे कि माँ बाप की मेहनत है, तारी खुद की मेहनत है, टीचर्स को साथ में सपोर्ट है, कौन सी चीज ने कितना मार्क्स देना चाहोगा? सबसे ज्यादा तो पेरेंट्स का सपोर्ट, फिर टीचर्स का, फिर मेरा है। और तीन नंबर पर है? टीचर्स के बिना, पेरेंट्स के बिना तो पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए। तो टीचर्स को दिया अभी थी एक बात कही कि भी टीचर्स को जो वो बिल्कुल फैमिलियर्स हो तो बिल्कुल माँ बाप की तरह बिल्कुल ट्रीट करता है एकदम? यस, एकदम घर की तरह रहते थे, एकदम स्कूल का मॉल भी एकदम घर की तरह रहता था। तो और एग्जाम वगैरह टेस्ट वगैरह भी टाइम टाइम पर होता है? हाँ, और 21 दिन बाद में टेस्ट होते थे। हर 21 दिन में? हाँ, और बाद में तो रेगुलर होने लगे, एक दिन छोड़ के एक दिन लगा कि फिर एग्जाम की जितनी आदत होगी कि मेन एग्जाम होने लगे कोई अलग एग्जाम दे रहा है। यस, तैयारी इतनी खतरनाक होगी। यस भाई, हो जाएगा क्या खाना चाहोगा मैट्रिक्स का बाद? बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। राम राम। राम राम। क्या नाम बेटा? हर्ष लांबा। तुमने कहो कि एक अच्छा एक सीकर के अंदर एक हर्ष पर्वत है, बहुत ही ऊंचा है, और मन लागे कि तारा नाम भी हर्ष है, तारी भी जी की सफलता मन लागे कि भी साफ से इतनी ऊंची है, तो हर्ष नाम है भी वजह से है भी ज्यादा मेहनत ज्यादा करी ना? मेहनत करी थी। अच्छा, जिस हिसाब से जानोगे हर्ष पर्वत कर सी है? हाँ हाँ, सीकर में है, और नीचे एक माता जी का मंदिर भी है, जीड़ माता को। हाँ हाँ जी। हाँ, क्या पूछा बढ़ता कितना नंबर था, कितना शिखर तक क्या पूछा? इस चीज में सबसे ज्यादा योगदान तो कोचिंग स्टाफ को रही हो और परिवार वाला को भी खूब रही हो। कितना परसेंटाइल आया? 99.97। की बाकी भी रही होगी की कुछ ज्यादा सपोर्ट की को रही होगी बता दे? कोचिंग स्टाफ और परिवार वाला। देखो कोचिंग आप बात करें कि बहुत सारी ही आजकल है पूरे राजस्थान की बात कराए तो ये तो मैट्रिक्स में इशू की अलग से की खास बात है कि इतना शानदार रिजल्ट है, मतलब लगे कि इतना सारा बच्चा ही के अंदर नौटना मुश्किल हो रहे हैं। एक तो जी साबु स्टार्टिंग में शेड्यूल बतावे, टेस्ट को शेड्यूल भी साबु एकदम यही होगा, कदे भी सिस्टम में कोई चेंज हो नहीं आए। अच्छा, जहाँ रेगुलर टेस्ट क्लासेस वगैरह ना, क्लासेस में कोई चेंज हो कदे, मतलब टीचर एब्सेंट हो जाना भी है की शुरू क्यों बता दिए बच्चा करें क्यों? जी साहु बताया जा भी साबु तरीको किस लगे तरीको एकदम बढ़िया है। अच्छा, बताओ जो टीचर्स ही देखो सब जगह टीचर ने भी ऑब्वियसली बात है कि आपका बच्चा अच्छे पढ़ाना चाहेंगे, तो टीचर्स ने जो पढ़ाए तो अच्छे हैं, साथ में पढ़ाने के अलावा और टीचर्स में कौन सी क्वालिटी थी मैट्रिक्स के अंदर की इतना बच्चा शानदार बनकर साथ में गोल मिल गई? जब भी कोई मतलब मार्क्स कम आ जाए तो डीमोटिवेट हो, मोटिवेट बहुत ज्यादा करी भी साहब की थान, मतलब बिल्कुल डीमोटिवेट को नहीं हो, ठीक है, कोई नंबर कम भी आ जाए तो थान की मतलब तैयारी करती रहनी है।
मोटिवेशन बिल्कुल मिलता रहा है फैमिली को सब बिहेवियर आवाज है हां फैमिली का हर सो मैं चेलासी झुंझुनू से हां अरे वाह झुंझुनू का बिल्कुल जवाब जगह अपना जगह सिपाही भी जवाब ही भाई उधर की झुंझुनू को शहीदा की नगरी है फौजिया की नगरी है फावड़ा राम 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 के नाम उतारो अक्षय बगड़िया अक्षय बगड़िया अकड़े सो बेटा सिक्कर से ही हूं सिक्कर से कितना परसेंट आला है बेटा 99.96 अच्छा सोचा कि इतना जाएगा सोचे तो नहीं थे पर आ गए सोचा भी नहीं फिर क्या आया मतलब सुबह तैयारी तो हो रही थी पर सुबह मानदा से तो ज्यादा नहीं पड़ ली है पड़ी पड़ी कितनों के मानो बनाए बताओ कि जाए मेहनत है साथ में आपको सपोर्ट भी है टीचर्स को भी है पेरेंट्स को भी है साथ में लक जगह रफा माला की भगवान मार किने वाला कितनों के मानो भी मेहनत तो करी है बाकी कोचिंग का बहुत बड़ा साथ था कोचिंग में टीचर्स वगैरह ने बहुत अच्छा साथ दिया और दोस्ती था रहते थे अच्छे से समझाया सब कुछ दोस्त की नहीं अच्छा। और डाउट वगैरह हो कितने भी पूछ लो कोई उनके डाउट काउंटर भी लगते हैं बाद में पूछाओ और टेस्ट वगैरह लगते रहते थे टाइम ही पूछ ले बाद में डाउट काउंटर अलग से लगा है उस समय भी पूछ सकते हो बाद में डाउट काउंटर में भी जा सकते जैसे उस समय नहीं पूछ पाया कोई यार जब तक समझो नहीं याद मतलब पूछता जाओ कोई भी ना गुस्सा नहीं करते और की खास बात है टीचर्स में क्या खास बात है कि तो शानदार रिजल्ट है रिजल्ट क्या करा बात रहा कि 99% से ऊपर 219 अभी उतरे एक बच्चा को रिजल्ट है 220 बच्चा तो 220 बच्चा होना अपने आप में एक मिसाल है टीचर सारे क्वालिफाइड है और अच्छे से समझाते हैं सब कुछ ऐसा नहीं है कि खाली उन्होंने पढ़ा हुआ ये पर उन्हें समझाना भी आता है जैसे बच्चों को और टीचर्स में नॉलेज तो है साथ में डील क्या करना नॉलेज है और व्यवहार किस हो गया बच्चा व्यवहार बहुत अच्छा रहता है हंसते भी रहते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इतने अच्छे परसेंटाइल आ गए अच्छा अभी आप देख रहे हैं कि अंदर टॉपर नावड़ी गुने मायने तो अभी टीको टीको तार लगा दिया साफो साफो बांध दिया बिल्कुल खुशी ज्यादा हो रही है ना वो तो रिजल्ट की खुशी है अभी आगे के लिए सोच रहे अभी आगे जी एडवांस का पेपर है उसकी तैयारी चल रही है IIT में CS ब्रांच मिल जाए अच्छा टॉप 500 रैंक में नहीं सोच रहा बिल्कुल मिला वो मिलना साहब से मेहनत कर रहा हूं लग रहा है अभी लग रहा है लग रहा है अभी हां राम राम जी राम राम जी राम राम बहुत बहुत बधाई होगी कितना शानदार रिजल्ट रही है बहुत बहुत बधाई थाने भी धन्यवाद भी कि साथ में तो अभी जब मैं बच्चा से बातचीत कर रहा हूँ टीचर्स जगह में टीचर तो ही साथ में पेरेंट्स और गार्जियन को रूप भी निभाओ के लगे भाई अब जाएगी इतना शानदार कोई आसपास भी नहीं रिजल्ट का देखो मैं थाने जलको मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँ की ऐसा बच्चा बैठा है और रिजल्ट आन को रिजल्ट है की शायद मैं भी कोई सोचू अकेला मैट्रिक्स है मैं थाने का आंकड़ों दे रहा हूँ 99% तो बोला है लोगों का भी आवे 99% से ऊपर जगह बच्चा है बेकाल तक 219 आ रहा 220 बच्चा होगा अकेला मैट्रिक्स है 220 बच्चा 99% से ऊपर है मतलब मेरे हिसाब से पूरी शेखावटी में सेकंड से मिला लिया आप तो भी शायद वो आंकड़ों ध्यान नहीं बस तो एक लो मैट्रिक्स को पूछ रहे हैं कारण के समझाओ देखो कारण ही को है साहब की मैं बहुत को शॉर्टकट की बात करूं सीधी सीधी सी बात है कि माखी जी की फैकल्टी टीम है तो को माको सिस्टम है और माखा टाबर है अन्य तो विश्वास है कि माखा जगह टीचर के देसी वो पढ़ लियो जैसी आराम इम के वे साहब थे माथो लगा लियो ना था जना काम को नहीं बैठे ऐसा रहा बच्चा है जगह ने जिको बतायो गयो अभी ने फॉलो करो और भी को रिजल्ट आगे सामने आयो और माखी फैकल्टी टीम तो इतनी स्ट्रॉन्ग है लोग अत्या एक्सपीरियंसड है क्योंकि लगभग लोग खुद IIT से NIT से गेड़ा है भाई जो कोई आदमी जगह गेले चाली डोगे ना बिनो बिरो की गेलम के करनो चाहिए के नहीं करनो चाहिए वो पूरा सिस्टम मान लियो पूरी फैकल्टी टीम है स्टडी मटेरियल है टेस्ट है पूरा सिस्टम तो फुल प्रूफ है क्या बच्चों को शानदार रिजल्ट है एक बच्चे से बातचीत कर रहे हो तो भाई खरा है कि आपकी मेहनत ने बड़ा 3 नंबर पे बताई अपने आप में सौभाग्य की बात है कि यदि बच्चा माने कि भाई माखी जी की मेहनत अब आपकी जगह है लेकिन टीचर्स और कोचिंग का सिस्टम बढ़िया है तो निश्चित रूप से अच्छा बढ़िया टाबर मिल वो भी मुश्किल काम है यार दोनों मिलती जुलती बात है महाराज देखो ये मैं क्या बात थाने छोटी सी बात बताऊं आपने एक कहावत चाले कि पूत का पग पालने और भूखा पग पैसा रहे भू जब पहली बार सास रह जाए ना जरा बठे को माहौल दिखे तभी लाग जाए कि मेरी डिचल वाली सेवा से सेट हो जाए टाबरिया चाहे कैसा आओ आया पे क्लास में जाए बात देखे अब ने समझ में आ जाएगी पटवाड़ो सो माहौल पढ़नू ही पड़सी पढ़नू पड़सी ना एक बार पटवा के तय कर लियो देखो ऐसा सारा का सारा लोग ब्लास्ट है बहुत बहुत समय पहली आचार्य चाणक्य की एक बात बोली कि भाई शिक्षक साधारण को नहीं हो सके क्योंकि सृजन और प्रलय दोनों भी का हाथ में रहे अब टाबरिया की थे चाहो ना तो आ टाबरा ने थोड़ा सा हल्का सा का डाइवर्जन दे दियो पाछे क्यों से क्यों बन जाए मतलब नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी
प्रयास माखोर है कि बच्चा पॉजिटिव आगे एनर्जी है बा पॉजिटिव चैनलाइज हुए, पॉजिटिव के साथ में काम करे, बच्चा पूरी मेहनत करे, टीचर्स पूरा आपको दम लगावे, रिजल्ट आ जाए। और एक सवाल था लेना चाहूंगा कि रिजल्ट तो हर बार ही शानदार है, इस बार इतना हाई फाई जाए, एक बच्चे से बात करें, एक बच्चे को हर्ष नाम हो, बोले कि सिकर के अंदर हर्ष को पहाड़ कितना ऊंचा है, इतना पहाड़ जितना ऊंचा रिजल्ट आया है, ये को क्या खास बात कि हर बार रिजल्ट आया, इस बार इतना ऊंचा क्यों गया? देखो रिजल्ट तो हर बार बढ़िया रहे 99%, अब की बार 220 टावरा का 99% से ऊपर आ, बहुत बड़ी बात है। बिको कारण वो है कि भाई हर बार के, देखो पढ़ाई आने की चीज है कि हर बार मान भी एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहे हो कि भाई के हिसाब से है, जो एनटी एग्जाम ले कैवनी एग्जाम रहे, के पैटर्न रहे, के चीजा बच्चा के गलती करे, के गलती को नहीं करे, गुड़ता गुड़ता महादेव जी जाए तो जी हाँ, गुड़ता गुड़ता महादेव जी रह जा रहा है। एक कहावत है कि भाई करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, तो प्रयास तो चालू रहे की वजह से धीरे धीरे काम बैठ जाए। बहुत शानदार काम, और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद साहब, थाने खूब को बधाई, और जलको के माध्यम से मैं पूरी शेखावटी ने एक बात के पहुंचाऊं कि हर युग ने, हर दौर कमाए ने, हर आदमी ने एक अवसर मिले वो के करे। आजादी से पहले हर आदमी लड़तो केवल अंग्रेजों को, काम ही को नहीं हो, क्योंकि तार आजादी चाहिए, बस आजाद यहाँ पर से लड़ता है संघर्ष। ये बात करे तो कि आपने गरीबी क्या दूर दूर पे क्या कमावा, अब यदि इस युग में जन्मेड़ा टाबर है तो वह इस देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन वही कर सके कि मैं आपको काम ठीक ठाक ढंग से कर ले, मैं माखो काम पटावड़ो काम ढंग से कर ले, पटबड़ो काम ढंग से कर ले, तो मेरे हिसाब से पछे बा अपना आप में देश सेवा है, तो माखी तो देश सेवा ही है, टाबरिया बढ़िया पढ़ लिया बढ़िया इंजीनियर बन जाए, देश ने बनावे देश का बनाए। बहुत शानदार काम करे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। या बाकी अदर कॉलेजेस हैं, ये बहुत अलग जोन में जाने वाले हुआ, अब तक की जिंदगी और उसके बाद की जिंदगी दोनों बदलने वाली है। आज हम सब लोग एक सेलिब्रेशन करने वाले हैं, और उस सेलिब्रेशन में वो सिर्फ आप ही का सेलिब्रेशन है, डिटेल्ड रिजल्ट क्या रहा उसका डिस्कशन मैं आपको वहां पूरा डिस्कशन करके बताऊंगा, पर एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मतलब सीकर से दो बच्चों का नीट में सिलेक्शन हो जाता तो बहुत बड़ी बात थी, IIT में दो का नहीं होता था, इसलिए IIT की कोई छपती नहीं थी, मतलब नीट में छपता था कि दो बच्चे बने डॉक्टर। पिछली बार यानी इस सेशन में आप मानेंगे तो सीकर से नीट में जाने वाले बच्चे हैं 3000 स्टूडेंट्स, तो नीट का आंकड़ा बहुत बड़ा हो गया, पर IIT की स्थिति ये थी, NITs की स्थिति ये थी, यानी जो आपका इंजीनियरिंग फील्ड है उसकी सिचुएशन ये थी कि यहां बिल्कुल वैसा ही सूखा था लंबे समय तक। 2014 में जब मैट्रिक्स आया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनिशियली पहली बार जब हमारा एड छपा था तो मतलब हम लोगों को लगा था 50 बच्चे जो है वो IITs NITs ट्रिपल IITs में जा रहे हैं, 50 बच्चे, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि 2014 में सीकर से किसी एक इंस्टीट्यूट के 50 बच्चे वहां जाए। इस बार का डिटेल रिजल्ट आपको वहां बताऊंगा, केवल एक आंकड़ा आपको देने जा रहा हूं, इस बार मैट्रिक्स अकेले से, केवल अकेले मैट्रिक्स से 1000 बच्चे IITs और NITs और ट्रिपल IITs में जाने वाले हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात पूरी शेखावाटी के लिए है। 1000 स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ी बात है, उसमें से आप सब लोग भी हैं। लगे कि कितनों की शानदार रिजल्ट है, और मन लगे कि हिसाब से सर बताया कि देश की सेवा है, देश की जगह सेवा बिल्कुल करी जा रही है, और के लगे कि कौन सो को अलग एक डिफरेंस है जो मैट्रिक्स ने सबसे अलग बनावा है, ते माना जरूर से बताओगा कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलांगा अगली अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।